सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल हरि दर्शन विद बिलजीत। और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और यहां से आप देख सकते हैं कि आज मैं जयपुर में स्थित एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम आया हूं, जो कि अपने आप में एक हिस्ट्री है। आज मैं आपको एशियन टाइम की कलाकृतियां, पेंटिंग्स और मूर्तियां और भी बहुत सी एशियन टाइम की जानकारी दूंगा। वीडियो की स्किप नहीं करिएगा, वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए, यहीं से सबसे पहले मैंने एंट्री होते ही टिकट लिया, और टिकट होते ही सबसे पहले आपको टिकट दिखाना पड़ेगा। यहाँ से देख सकते हैं, यही है एंट्री हमारी। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ से, और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हवा महल से 10 मिनट की दूरी पर मौजूद इस म्यूजिकल को सरकारी केंद्रीय संग्रहालय भी कहा जाता है। अल्बर्ट हॉल की स्थापना साल 1876 फरवरी को प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड्स की जयपुर यात्रा के दौरान रखी गई थी। उनके नाम पर ही इमारत का नाम रखा गया है। लेकिन इस हॉल का उपयोग कैसे किया जाए, ये दुविधा उस दौरान काफ़ी बनी हुई थी। महाराजा सवाई राम सिंह शुरू में चाहते थे कि संग्रहालय भवन एक टाउन हॉल हो। कुछ ने इस संस्कृति और शैक्षिक उपयोग लाने का सुझाव दिया, लेकिन डॉक्टर थॉमस होबिन हैंडली ने स्थानीय कारीगरों को अपनी शिल्प कारीगरी दिखाकर उसे यहाँ प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। सो जयपुर के तत्कालिक महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय को उनकी विचार पसंद आया, और उन्होंने इसे 1880 में जयपुर के स्थानीय शिल्पकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय बनाने का फैसला किया। संग्रहालय को आखिर में 1887 में जनता के लिए खोल दिया गया। यहीं से देख सकते हैं, मैं हर चीज़ की आर्ट को, एक एक चीज़ की आर्ट को मैंने बहुत डीपली लेने की कोशिश करी है, ताकि आप देख पाए एशियन टाइम में कैसे ये चीज़ें बनाई गई थी और कैसे चलती थी। ये देखिए, यहाँ पे यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे जब मैं इसको सामने से देखा। बहुत अच्छी चीज़ें रखी गई हैं। यहाँ पे मैं आपको एक मम्मी भी दिखाऊंगा, जो कि ब्रिटिश सरकार भारत लाई थी 1880 में। ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं आप। ये एशियन टाइम की के क्लॉथ्स जो एशियन टाइम में यूज हुआ करते थे, कैसे इस म्यूज़ियम को देख सकते हैं यहाँ पे, कितनी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से मैं हर चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, आप इसकी आर्ट देख के ही आपको बहुत अच्छा लगा जब आप एंटर होकर अंदर आएंगे। बहुत खूबसूरत आर्ट है, और एशियन प्लेस की जो चीज़ें रखी गई हैं, कमाल की चीज़ें रखी गई हैं। मैंने हर चीज़ को एक कवर करने की कोशिश करी, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप हर चीज़ दिखाऊँगा आपको। जहाँ से देख सकते हैं आप इसकी खूबसूरती, ये देखिए, हर चीज़ को हमने जीने की कोशिश करी वहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ की आर्ट, क्योंकि आप भी देख सकते हैं यहाँ से। और अगर इस म्यूज़ियम की वास्तुकला की बात करूँ, तो म्यूज़ियम की भव्य वास्तुकला आपको हैरान कर देगी। यहाँ की डिज़ाइनिंग इंडो सरसैनिक शैली में निर्मित है। संग्रहालय को महाराजा राम सिंह के शासन में सैमुअल स्विंटन जैकब द्वारा डिज़ाइन किया गया था। अब म्यूज़ियम में जयपुर कला के कुछ बेहतरीन काम, पेंटिंग और प्रकृति आभूषण, कालीन, धातु पत्थर और हाथी दांत की मूर्तियाँ मौजूद हैं। यहाँ से मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से देख सकते हैं एशियन टाइम के बर्तन, जो कि आज से 500-600 साल पहले यूज़ हुआ करते थे, और आज भी हम इसको म्यूज़ियम में देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ वो रखी गई है जो आज से 500-600 साल पहले यूज़ हुआ करती थी। इतनी सेफ्टी के साथ इन चीज़ों को रखा गया है, यहाँ से देख सकते हैं। और ये है बुद्धा, नेपाल से लाया गया था इसको। ये देखिए, खूबसूरत इसकी मूर्ति है, देख सकते हैं आप यहाँ से। और यहीं से अभी हम चलेंगे आगे, ये देखिए,
का खूबसूरत आर्ट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आज से हमारे 500-600 साल पहले ये चीज़ें यूज़ हुआ करती थी राजाओं के टाइम, तो आज भी हम इन म्यूज़ियम में देख सकते हैं कैसे वो लोग रहा करते थे। और ये देखिए यहाँ की आर्ट भी देखते चलें, अंदर की जो आर्ट है जितनी खूबसूरती से इसको महल की तरह बनाया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट है इसकी, यहाँ से देख सकते हैं। और मुद्रा शास्त्र में रुचि रखने वालों के लिए आप एल्बर्ट हॉल संग्रहालय में सिक्कों का कलेक्शन भी आकर्षक कम नहीं लगता। यहाँ पे जब आप देखेंगे ये सिक्के गुप्त, कुषाण और दिल्ली सल्तनत, मुगलों और अंग्रेजों के समय के हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में भारत के उन 6 स्थानों में से एक ये है जहाँ आप मिस्र की मम्मी देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, अभी आपको मैं ये मम्मी दिखाऊंगा। ये 6 स्थान जयपुर अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, कोलकाता में भारतीय संग्रहालय हैदराबाद, और YS राजशेखर रेड्डी राज्य संग्रहालय, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मुंबई राज्य संग्रहालय, लखनऊ और बड़ौदा संग्रहालय, और चित्र गैलरी बड़ौदा है। यहाँ मिस्र में एक पुजारी के परिवार की महिला सदस्य टूट ममी है। इस म्यूजियम की हिस्ट्री के साथ आप यहाँ की कलाकृतियों का आनंद भी लेते चले। देखिए किस टाइप की बर्तनों का हमारे आज से 500-600 साल पहले यूज किया गया था। ये देखिए कितनी खूबसूरती और सेफ्टी के साथ इसको रखा गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहीं पे आपको मैंने ये हिस्ट्री लेने की भी कोशिश करी, यहीं पे आप पॉज करके इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए हर चीज को बड़ी खूबसूरती के साथ रखा गया है, बड़ी सेफ्टी के साथ। बहुत अच्छा लगेगा आप जब आप इसको सामने से देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ से। और बहुत ही प्यारी लाइटिंग की गई है, बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको मेंटेन किया गया है, बहुत साफ सफाई है अंदर। बहुत अच्छा लगेगा जब आप अंदर जाएंगे और इजीली एक एक चीज को देखेंगे यहाँ से। ये देखिए किस टाइप के बर्तन आज से 500-600 साल पहले यूज किया करते थे हमारे राजा। ये देखिए, और अल्बर्ट हॉल की परिकल्पना और इंजीनियरिंग की काम स्विंटन जैकब ने किया था। तो मैं आपको बता दूं कि जयपुर की चंदर और तारा मिस्त्रियों ने इसका निर्माण किया था। निर्माण पूरा होने में 10 साल से ज़्यादा का वक्त लगा था, और 1886 में इसे पूरा किया गया जा सका। तब माधव सिंह द्वितीय जयपुर सियासत की गद्दी पर आसीन हो चुके थे। सर एडवर्ड रेडफोर्ड ने 1887 में इसका विधिवत उद्घाटन किया। इमारत को बनाने में उस वक्त 5,01,036 रुपये खर्च हुए थे, जो कि आज करोड़ों में उसकी बात की जा सकती है। इसे जयपुर के इतिहास को सहेजने के लिए म्यूजियम बनाया गया है। तब के लोग अजायब घर भी पुकारते थे इसको। यहाँ से ये देख सकते हैं पेंटिंग्स और मूर्तियाँ, आज भी कितनी खूबसूरती के साथ इसको म्यूजियम में आप देख सकते हैं और इसको महसूस कर सकते हैं कैसे आज से 500-600 साल पहले इनको रखा गया था और यूज किया जाता था। ये देखिए यहाँ से, ये उस टाइम जो हमारे तब के महाराजा लोग यूज किया करते थे हथियार। ये देखिए, ये पूरा एक कवच के रूप में इसको दिखाया गया है। तब के हथियार यहाँ से देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब भी अगर आप जयपुर आते हैं तो इस म्यूजियम को विजिट करना ना भूलें, आपको बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी और बहुत मज़ा आएगा, आप बिल्कुल इन्जॉय कर पाएंगे इस प्लेस को। और अभी मैं आगे आपको एक जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे एक मम्मी भी रखी गई है जो कि ब्रिटिश सरकार भारत में लेके आई थी 1880 में। ये देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर है, जब आप ऊपर चढ़ के आएंगे यहीं से आप देख सकते हैं, ये है फर्स्ट फ्लोर। ये देखिए
और थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ आपको। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम हफ्ते में सभी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। और पर्यटकों के लिए भारतीय पर्यटक 40 रुपये और विदेश यात्री 300 रुपये टिकट लगती है। ये देखिए यहाँ से ये तब के रानियों के कपड़े यहाँ से देखे देख सकते हैं। ये है वो मम्मी जिसके बारे में आपको मैंने बताया था। ये देखिए इसको ब्रिटिश सरकार 1880 में भारत लाई थी और यहीं से मैंने ये नीचे देख सकते हैं हिस्ट्री भी है, यहीं से आप पोस्ट करके इसकी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। आपको बता दूं कि आप कैसे यहाँ आ सकते हैं। अल्बर्ट हॉल जयपुर के राम निवास बाग में अजमेरी गेट के पास स्थित है। 10 मिनट का रास्ता हवा महल से है। आप चाहे तो बाई वॉक भी आ सकते हैं या फिर रिक्शा या ऑटो से भी आ सकते हैं। ऑटो चालकों से सावधान रहें क्योंकि यहाँ वे विदेशियों से ज़्यादा कीमत वसूलते हैं। जयपुर में कैब आसानी से बुक की जा सकती है, सबसे आसान तरीका होगा आपको यहाँ तक पहुँचने का, सबसे बेहतर है। और यहीं से मैं आपसे इजाज़त लूँगा। मैं आशा करता हूँ आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है हर चीज़ को कवर करने की। यहीं से मैं अपने वीडियो को एंड करते हुए तो मैं फिर मिलूँगा एक नई जर्नी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।